नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश की बैंकिंग क्षेत्र की जानी मानी हस्ती और भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले केवी कामत जी। दिसंबर 1947 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मे केवी कामत का पूरा नाम कुंदापुर वामन कामत है। ये इस समय न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ 5 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ने मिलकर 2014 में की थी। केवी कामत को भारत में बैंकिंग सुधारों का जनक माना जाता है। इन्होंने देश की बैंकिंग व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया और बैंकों को आम जरूरतमंद के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। इन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर एनआईटी कर्नाटक में दाखिला लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और फिर आईआईएम अहमदाबाद से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। आज केवी कामत जी की गिनती देश और दुनिया के जाने माने बिजनेस लीडर्स में होती है। 1971 में महज 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक से की थी। इनकी लगन और मेहनत की वजह से ही आईसीआईसीआई बैंक ने देश में नए नए कीर्तिमान हासिल किए और आज आईसीआईसीआई बैंक की गिनती भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित बैंक के रूप में होती है। कठिन चुनौतियों को भी सफल अवसर में बदल देने का हुनर रखने वाले केवी कामत अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत आईसीआईसीआई बैंक के सर्वोच्च पदों एमडी, सीईओ और चेयरमैन तक पहुंचे। मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी केवी कामत इंफोसिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। देश और दुनिया के तमाम अवार्ड केवी कामत के नाम हैं। राष्ट्रपति के हाथों इन्हें 2008 में बैंकिंग क्षेत्र में देश की सेवा के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दुनिया की मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने 2007 में इनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। कामत इस समय देश की तमाम नामचीन शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े हैं। आज हम केवी कामत जी से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और साथ ही जानेंगे इनकी कामयाबी की कहानी और इनके जीवन के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में। कामत साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है डायनामाइट न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। थैंक यू। कहते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे काफ़ी स्ट्रगल छिपा होता है। आज आप एक कामयाब इंसान हैं, सक्सेसफुल पर्सन हैं, कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए? बिल्कुल ठीक है आपने, स्ट्रगल के कुछ नहीं पा जाता है। तो मेरा चैलेंजेस और स्ट्रगल्स जो हैं 50 साल से हैं। मैंने इंजीनियरिंग किया जैसे आपने कहा, उसके बाद मैनेजमेंट की डिग्री की और उसके बाद आईसीआईसीआई में करियर चालू किया, बिल्कुल बॉटम रंग पे। तो कह सकता हूँ कि अगर मेहनत से काम किया तो यू कैन रीच द हाईएस्ट स्पॉट। और थ्रू द करियर आई हैड अ होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद स्टॉलवर्ट्स एंड दे हेल्प मी अ लॉट। तो जैसा आपका करियर ग्रो होता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सोचें कि आपको कौन मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनके साथ सीखने का एक मौका निकालना है, उसके बाद ग्रो करने का। जब आप एक छोटे बच्चे के रूप में, स्टूडेंट के रूप में मैंगलोर के छोटे से स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या कभी सोचा था कि देश का इतना सक्सेसफुल इंसान बनना है? बिल्कुल नहीं। मेरा उस टाइम मेरा शायद एम्बिशन था या ऑब्जेक्टिव था कि मैं जो फैमिली का एक छोटा सा रूफिंग टाइल्स का बिजनेस था तो वो चला। तो जब तक मैंने इंजीनियरिंग किया वही प्रॉब्ली ऑब्जेक्टिव था, एम था। सोच बदला एमबीए करने के बाद, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अहमदाबाद में, उसके बाद सोच बदला कि भाई जो सीखा है उसको ज़रा आगे क्या होता है देखें, उसके बाद टेक ए प्रोफेशनल जॉब एंड सी व्हाट हैपेंस।
इस समय देश में काफ़ी उथल पुथल सी मची हुई है। भारत सरकार ने 500 और 1000 का नोट बंद किया है। आप काफ़ी नज़दीक से बिजनेस को देखते और समझते हैं एज अ इमिनेंट बैंकर, क्या आपको लगता है इससे ब्लैक मनी को रोकने में मदद मिलेगी, और मिलेगी तो किस तरह से? मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और अपना फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि ये जो मूव है उसका ट्विन ऑब्जेक्टिव्स तो है ही, एक तो करप्शन को बंद करने का, जितना हो सके कम करने का, दूसरा जो एक थ्रेट था फेक करेंसी का, काउंटरफेट करेंसी का, उसको एड्रेस करने का। मेरे हिसाब से ये तो पैरामाउंट रीजंस है, और इसके लिए डिमोनेटाइजेशन के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स जो हैं कर रहे हैं, श्योर दैट विल बी सक्सेसफुल। प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कही है कि अभी जो है यह कुछ स्टेप हैं, प्रारंभिक स्टेप हैं, और बहुत से काम अभी किए जाने बाकी हैं जिससे वाकई में ब्लैक मनी पर अंकुश लगे। आपके हिसाब से भारत की सरकार को और क्या कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे पूरी तरह से ब्लैक मनी रुके और देश के आम आदमी की तरक्की के लिए देश का पैसा उनके काम आए? देखिए, एक सीक्वेंस में स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, इसको आइसोलेटेड करके आइसोलेटेड स्टेप नहीं सक पा रहा। पहला जो है फॉरेन अकाउंट्स पे टाइटनिंग हुआ, उसके बाद जो है डोमेस्टिक अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स पे मूव हुआ, अभी डिमोनेटाइजेशन के से मॉपिंग अप हो गया कि जो भी अकाउंट्स बाकी थे। मेरे हिसाब से और काफ़ी स्टेप्स आर्टिकुलेट किए हैं प्रधानमंत्री कि अगले महीनों में वो स्टेप्स आने वाले। मुझको लगता है उन स्टेप्स के अलावा जो इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकता है वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन तो हुआ है, और मेरे हिसाब से जनधन का जो प्रोग्राम किया था जिससे लगभग सारी जो फैमिलियाँ हैं देश में उनके पास एक बैंक अकाउंट है, उसके जरिए आज आप जो भी इकोनॉमिकली नेसेसरी एक्टिविटी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र या जो भी पेमेंट करने का है नागरिक को कर सकते हैं, जैसे नागरिक भी पेमेंट कर सकता है वो अकाउंट के लिए। सो इमीडिएटली जो है कैश पे जो रिलायंस है वो कम हो जाएगा, उसके साथ जो टूल्स हैं कैश को सब्स्टिट्यूट करने का वो आ रहे हैं, पेमेंट थ्रू एप्स, डायरेक्ट ट्रांसफर्स, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स, सेलफोन यूज़ करके, वो सब आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से द रेट एट विच टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, द रेट एट विच द इंडियन कस्टमर इज चेंजिंग, द रेट एट विच सेलफोन एंड स्मार्टफोन अडॉप्शन इज इंक्रीजिंग, तो ये तो लॉजिकल स्टेप है। मैं कहता हूँ फोर्थ स्टेप है, दो स्टेप या तीन स्टेप ऑलरेडी लिए हैं, फॉरेन अकाउंट्स का, दूसरा अपना डिक्लेरेशन का, तीसरा अभी जो डिमोनेटाइजेशन का, और मेरे हिसाब से लॉजिकल स्टेप है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द होल ट्रांजैक्शंस पे। तो वो हुआ तो मेरे हिसाब से लगभग करप्शन का जो बैकबोन है उसको भी उड़ा हुआ एड्रेस। लेकिन कामत साहब, एक बड़ा सवाल है, कई लोग यह भी कहते हैं कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ले आना, ऐसी क्यों जरूरत पड़ी भारत सरकार को? क्या इससे ब्लैक मनी पे अंकुश लगाया जा सकता है? मेरे हिसाब से अभी जो एक्शन लिया है एक तरह का मॉपिंग अप ऑपरेशन है, उसको जो स्टॉक है उसको इधर ही खत्म करें, और आगे का जो आप कह रहे हैं ये जो अभी स्टॉक जो है ब्लैक मनी का वो ओवरनाइट नहीं हुआ है, वो लगभग 30-40 साल से बिल्डअप हुआ है। तो अगर वापस आने का है तो इतना टाइम लगेगा, अगर 30-40 ईयर्स नहीं तो 5-10 साल तो लगेगा। इतने में अगर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आए हैं तो आपको स्कोप ही नहीं मिलेगा कि यू नो यू स्टार्ट जनरेशन इन द कन्वेंशनल वे। अनकन्वेंशनल वे हो सकता है, बट तब तक दूसरे उसके लिए रिस्पॉन्स आई एम श्योर वो भी सोचेंगे। अब आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ बातें करेंगे। हमारे दर्शकों को बताइए कि NDB यानी ब्रिक्स बैंक के गठन के पीछे
क्या सोच रही है, क्यों इसको बनाया गया? सिंपल सोच है, सोच ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, साउथ साउथ के कंट्रीज जो बोलते हैं हम, उनका एक स्टेटमेंट है ये कि हम अपने खुद के पैर पे खड़ा होने का वी कैन थिंक ऑफ एट दिस स्टेज एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज अ बिग स्टेटमेंट लेड बाय कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना, जो क्लियरली अभी जो आज का ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है उसमें मूविंग फोर्सेस है। स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट है कि हम अपने वी कैन स्टैंड ऑन आवर ओन फीट एंड डू व्हाट वी वांट फॉर डेवलपमेंट प्राइमरली ऑन आवर ओन फीट। पांच देशों का यह समूह ब्रिक्स मिलकर, पांच देशों ने ब्राजील, रसा, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने मिलकर के ब्रिक्स बैंक को बनाया। और जब इसके प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की बात आई तो यह पद भारत के खाते में आया, और भारत के खाते में भी आपको इस पद पर, बहुत महत्वपूर्ण पद पर अपॉइंट किया गया। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय पहले जो है, दिस वाज इंडियाज टर्न, जो अपॉइंटमेंट है, वी नीड टू आस्क द गवर्नमेंट व्हाट वाज इन देयर माइंड इन चूजिंग मी। ऑल आई कैन से इज मैंने बहुत हमली एक्सेप्ट किया। जैसे आपको मालूम है, चार पाँच साल से मैं स्टेप्ड आउट ऑफ आईसीआईसीआई एज ए सीईओ, तो मैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था बैंक का और इंफोसिस का। तो आई थॉट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सेटिंग अप समथिंग विच इज़ सो आई थिंक सिम्बॉलिक फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली द ब्रिक कंट्रीज, एंड दैट्स हाउ आई एक्सेप्टेड दैट थिंग। बट द क्रेडिट फॉर दिस अपॉइंटमेंट इज एंटायरली द गवर्नमेंट। आपके बारे में ऐसा माना जाता है कि आप जहां पर भी काम करते हैं वहां पर सक्सेस साथ साथ आती है, लेकिन एनडीबी एक नया सेटअप है, नया बैंक है, ये तो आप मानते होंगे कि यहां पर आपके लिए काफ़ी कुछ चैलेंजेज हैं। देखिए, चैलेंज दो तरह के होते हैं। एक तो जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसका जानकारी आपको है या नहीं, आप टीम असेंबल कर सकते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से उसमें I don't think there is any doubt. There are enough bankers around and you can put together a team and that work. दूसरा challenge ये है, जो newness है new development bank का, वो आप कैसे तरीके से, किस तरीके से ला सकते हैं। तो हमने बोला कि देखिए, जो existing institutions है 60-70 years old हैं, उनके over time जो processes हैं वो elongate हो गए हैं। कोई 15 महीना लेता है अप्रूवल के लिए, कोई 24 महीना लेता है, उसको कैसा हम करें 3 महीने या 6 महीने। दिस माइंड सेट हैज बीन इंट्रोड्यूस। मुझको लर्निंग एक्सपीरियंस ये है इसमें कि पांच देशों के साथ आप डील कर रहे हैं और उसको मैनेज करना इज समथिंग दैट आई एम लर्निंग, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। बिकॉज मुझको भी नॉलेज आता है कि कल्चर डिफरेंट है, माइंड सेट डिफरेंट है, हाउ ऑल दिस वर्क टू मेक वन कॉमन गुड। आपने अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा आईसीआईसीआई बैंक के साथ गुजारा। जाहिर सी बात है, जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का लंबा हिस्सा किसी एक संस्था के साथ गुजारता है तो बहुत सारे मेमोरेबल पल, बहुत सारे इमोशंस जुड़े होंगे। तो कोई एक ऐसा इमोशन, आप मेमोरेबल पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? तो लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में द मोस्ट मेमोरेबल थिंग इज टू लुक बैक। जो आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रैटेजिक विजन था 1996 में, उसको कम्प्लीटली बदला के टू मेक इट इनटू टेक्नोलॉजी लेड बैंक एंड दैट टू व्हाट आजकल के भाषा में बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक। जिस बैंक जो सारे के सारे फिनेंशियल एक्टिविटीज करता है सब्सिडियरी के द्वारा या खुद, वो कन्वर्शन, स्ट्रैटेजिक विजन चेंज एंड कम्प्लीटली रन बाय टेक्नोलॉजी, आई थिंक दैट वॉज वन ग्रेट पार्ट। उसमें सेकेंड पीस ये था कि ऑल दिस अचीव थ्रू यूथ। तो हमारा लीडरशिप टीम जो था 30-32 का था एंड पीपल वेयर बहुत स्केप्टिकल थे कि कैसा चलेगा, 30-30 बरस के लोगों के साथ कैसा चलेगा। फोर्थ ये था कि जेंडर इक्वल है, उसमें वीमेन भी हैं, इतना मिक्स करके सेंस यंग पीपल मिक्स ऑफ मेल एंड मेल इक्वल प्रोपोर्शन में ऐसा हो सकता है। सो व्हेन यू लुक एट इट,
ये कंप्लीट स्ट्रेटेजिक चेंज जो है दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन। देश में बड़ी संख्या में नौजवान आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। जब हमने सोशल मीडिया पे आपके इंटरव्यू के लिए उनसे सवाल मांगे तो इन नौजवानों का सबसे एक प्रमुख सवाल आया कि जो नौजवान आपकी तरह एक न एक दिन सफल बैंकर्स बनना चाहते हैं उनको आपकी सलाह क्या है? मैं तो ये सलाह दूंगा ना सिर्फ जो बैंकर बनना चाहते हैं बल्कि जो भी यंगस्टर है जो आगे का सोचता है देश में इस टाइम पे। कई वर्ष पहले मैं ये कह रहा था, उसके बाद में एक दो वर्ष आई थिंक कुछ स्लो डाउन आ गया। मेरे हिसाब से वो जो चैलेंज था मोदी जी ने एड्रेस किया है। तो आई विल ओनली से दिस दैट अंग्रेजी में बोलता हूँ कि मेरा फीलिंग है कि फॉर यंगस्टर देर वॉज नेवर अ बेटर टाइम टू हैव बीन बॉर्न इन इंडिया। ये तो क्योंकि आगे का सेंचुरी अपना है, नेक्स्ट 100 ईयर्स अपना है और यंगस्टर्स जो हैं द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स दे आर गोइंग टू रूल। तो इट इज़ योर फील्ड, गो एंड अचीव वॉट यू वॉन्ट। जो भी फील्ड में, या ये तो नहीं कि बैंकिंग फील्ड, इन एवरी सिंगल फील्ड वी विल हैव अपॉर्चुनिटी। गो एंड सीज दैट अपॉर्चुनिटी एंड इंडिया विल बी देयर टू सपोर्ट योर ड्रीम्स। आने वाला समय भारत का है और नौजवानों का है। बिल्कुल। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में अगर नौकरियों की बात करें तो आने वाले समय में किस तरह की नौकरियां इमर्ज करेंगी इस सेक्टर में? मेरे हिसाब से ज़्यादा नौकरियां इमर्ज करेंगी टेक्नोलॉजी का, अराउंड टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। जो आपने स्पेसिफिकली बैंकिंग पूछा, इन बैंकिंग मेरे हिसाब से सारा के सारा पेमेंट स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे, सेल्स स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे, मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी लेड। तो प्रॉब्ली ऐसा लगेगा कि बैंकर है या टेक्नोलॉजिस्ट है। तो जो यंगस्टर्स हैं ये फील्ड में आने का सोचते हैं उनको माइंड ओपन रखने का है कि मैं टेक्नोलॉजी को भी एब्जॉर्व करूँ, और डिसहार्टन नहीं होने का है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन है, ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग खुला रखने का है। आज आप सेलफोन यूज़ करते हैं, आप इंजीनियर है क्या? नहीं है। 10 बरस पहले कुछ वो लोग बोल रहे थे कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ तो मैं कंप्यूटर कैसा यूज़ करता हूँ। आज आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। 40 बरस पहले का आज सुपर कंप्यूटर आप पॉकेट में डाल के घूमते हैं, आप ऑपरेट करते हैं और आप कहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूँ। बिल्कुल आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं। सो दिस इज़ द न्यू वर्ल्ड टू विच वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आई एम श्योर यंगस्टर्स विल प्रिपेयर फॉर इट। अब आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, आपकी डेली रूटीन क्या है? मेरा डेली रूटीन बहुत सिंपल है। अभी का जो रूटीन है मेरा, आजकल एवरीथिंग इज सेल्फ सर्विस। आई वेक अप, आई मेक माय ओन टी, आई मेक माय ओन ब्रेकफास्ट, आई हैव माय ओन, आई ईट माय वाइफ, आई गो टू ऑफिस, आई वर्क फुल 9 to 5 एज इट वेयर इन ऑफिस। ऑफिस में बहुत लाइट लंच खाते हैं, ऑफिस में जो मीटिंग्स हैं या जो भी काम चलाने का चलाते हैं। तो मेरा स्टाइल जो है जितना हो सके डेलीगेट करें, टू द एक्सटेंट पीपल कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करें ऑफिस में, एंड देन आई ओनली गाइड पीपल एज रिक्वायर्ड। आई कम होम, आई विल बी वेरी हैप्पी टू से, आप कहते हैं कि यंगस्टर्स सुनते हैं, आई डू माई ओन लॉन्ड्री, आई डू माई ओन आयरनिंग एंड आई मेक श्योर दैट आई एम प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। एंड आजकल ये जो फिटनेस वॉच आया है, आई मेक श्योर दैट मेरा जो कैलोरीज बर्न करने का है, स्टेप्स जो लेने का है, आई मेक श्योर दैट आई हैव बर्न दैट मेनी कैलोरीज, देन हैव अ डीप स्लीप इन विद नो वरीज इन माय माइंड। सो दैट इज द डेली रूटीन। आपकी फैमिली में कौन कौन है? शंघाई में तो फिलहाल जस्ट माय वाइफ एंड मी। आई हैव टू चिल्ड्रन, आई हैव अ सन हु लिव्स इन मुंबई, आई हैव अ डॉटर हु लिव्स इन द US, 3 grandkids हैं। वो आते रहते हैं 2-3 बार शंघाई, तो आई स्पेंड 15 days व्हेन दे आर देयर, दैट्स माय रूटीन। अपने कुछ पसंद के बारे में हमें बताएं। अगेन आई एम ए वेरी सिंपल पर्सन एज आई सेड, सो आई प्रेफर इंडियन फूड। अगर इंडियन फूड नहीं है तो एशियन फूड। आई प्रेफर टू टेक ए वेकेशन। जो इस जॉब में अभी तक मैंने नहीं लिया, पहले जो my previous occasion I used to religiously take about 2 or 3 weeks of vacation, but this job may we'll start taking a vacation as we go along.
Otherwise, I'm a simple person. अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताएं। मेरे पेरेंट्स जो हैं, माय फादर वाज एन एंटरप्रेन्योर, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। वी हैड आई वाज सेइंग एक रूफिंग टाइल्स का बिजनेस। माय मदर वाज अ होममेकर। माय फादर आल्सो वाज इन द पॉलिटिक्स। ही वाज द मेयर ऑफ मैंगलोर वेयर आई ग्रू अप। बट उनका द की थिंग दैट माय पेरेंट्स टॉट मी द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो वेरी क्लियर थे माई फादर एज वेल एज माई मदर कि द ओनली थिंग वी कैन लीव फॉर यू इज एजुकेशन। तो आपको जो भी सीखने का है सीखने का है। वी विल एनकरेज दैट एंड दैट्स व्हाट आई टेल एनी पेरेंट दैट आई कम टुडे। जो भी सीखने का है बच्चे को आप पढ़ाइए। आपका जो मन में है वो इम्पोज मत कीजिए कि आप डॉक्टर बनो आप इंजीनियर बनो। चाइल्ड बच्चे को सीखने का है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गिव द चाइल्ड द फ्रीडम टू डू व्हाट इट वांट्स। But encourage learning. So that's the only thing ultimately that you can leave for the child. Everything else जो है transitionary है। आपके कहने का मतलब education एक ऐसा medium है जिससे आप बड़ी से बड़ी problem को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल एक ही medium है। No, there is no other wealth but education. And if you can gift it to your child and give the child scope to take it in, I think that's what a parent should do. आप अपना role model किसे मानते हैं? मेरे रोल मॉडल्स जो हैं राइटली सो आई नीड टू से मेरे जो दो बॉसेस थे ICICI में। पहले जो बॉस थे मिस्टर एस एस नाडकर्णी। व्हेन आई जॉइंड ही वाज चीफ ऑफ द प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एंड देन ही बिकेम चेयरमैन ऑफ ICICI। उनके साथ जो मैंने सीखा है आई कांट रेप्लिकेट। उसके बाद 85 से मिस्टर वागुल जो चेयरमैन आए रिप्लेस मिस्टर नाडकर्णी मूव टू IDBI। वो मेरा रोल मॉडल रहे हैं, मेंटर्स भी रहे हैं दोनों। एंड ये भी कह सकता हूँ कि मैंने यू आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन आई हैव सीन। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? एक तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य सीखना है। आई कंटिन्यू टू लर्न इवन टूडे। और जो आज का अगेन टेक्नोलॉजी जो है इज अ ग्रेट लर्नर। किसी विषय का, किसी पर्सन का, किसी जगह का नाम आया तो मैं पहले गूगल करता हूँ। जैसे बात चल रहा है मैं गूगल करता हूँ, देखता हूँ इसके बारे में क्या एक पैरा दो पैरा जो है जो आपको ज़्यादा नॉलेज दे। सो दिस क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग माई ओन जॉब। सो आई बिलीव दैट जो रीज़न आई टुक दिस जॉब वॉज टू अंडरस्टैंड वेरियस कंट्रीज हाउ दे कम टुगेदर हाउ दिस इंटरेक्शन वर्क्स। संक्षिप्त में माय सिंगल ऑब्जेक्टिव इज बी अ लर्निंग पर्सन थ्रू आउट योर लाइफ टिल योर लास्ट मोमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम टू डायनामाइट न्यूज। तो ये थे भारतीय बैंकिंग दुनिया के बेताज बादशाह KV कामत साहब, जिन्होंने कहा कि शिक्षा एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हर एक आदमी सफल हो सकता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में। तब तक नमस्कार।